ये सीबीएसई वालों का चक्कर क्या है, पहले उन्होंने 20 तारीख बताई और देखिए आज रिजल्ट दे दिया। क्या था, मैं तो 50 की उम्मीद करो चल रही थी यहाँ पे। बीस तारीख के बाद रिजल्ट आ रहा था, अभी कैसे आ गया। बीस तारीख के बाद बोला था लेकिन सॉरी फॉर द मिस। कहाँ है कहाँ है, आउट 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 cbse.net.in cbse.net.in क्लास 12th। लेट अस एंटर आवर क्रेडेंशियल्स। सीनियर स्कूल एग्जाम रिजल्ट लिंक, योर स्कूल रोल नंबर 8506, एंटर एडमिट कार्ड आईडी, ये क्या होती है, ये कहाँ से एडमिट कार्ड है, इसके बिना नो रिजल्ट फाउंड। ये दिखा रहा है मुझे, ये लिटरली ये पता नहीं क्या है, पर सही डाला है मैंने। 266 366 346 इंटर स्कूल नंबर 85। आ गया 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 आ गया। ओ सब में A1 है गाइस, सब में A1। ये मुझे देखने दो, इंग्लिश 90, A2 इकोनॉमिक्स 95, A1 मैथ्स 87, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ही है, उससे ज़्यादा ही है बल्कि। बिजनेस स्टडीज 88, हाउ कम। अकाउंटेंसी 90, फिजिकल एजुकेशन 94, प्रिटी गुड। लेट मी कैलकुलेट द परसेंटेज, आई एम लाइक हैरान, मेरा ही रिजल्ट है। टॉप 4 का मम्मी को बोलते मम्मी मम्मी आ गया आ गया, आओ पास तो मैं हुई। देखो इंग्लिश में 90, इकोनॉमिक्स में 95, मैथ्स में 87, जय माता दी। बिजनेस स्टडीज में 88, अकाउंट्स में 90, फिजिकल एजुकेशन में 94। मां मेरा बच्चा, पहली बार 95 देखा जीवन में। जीजा को बोल, दीदी को बोलते, जीजू को बोल फटाफट। यस ये मेरा आईफोन पक्का। बिजनेस स्टडीज में काफ़ी कम है, मतलब जिस हिसाब से मैंने पेपर लिखा था उस हिसाब से तो बहुत कम है, और मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, मैं तो 50 की उम्मीद करो चल रही थी, यहाँ पे मुझे 87 मिल गए। बट या अकाउंट्स में भी थोड़े से कम है, बट इट्स ओके, इंग्लिश चलेगा। इकोनॉमिक्स में 75
फिजिकल एजुकेशन में 94, वुमेन स्टडीज में 88. चलो आपको मैं नंबर बता देती हूँ. इंग्लिश में आई गॉट 90, इकोनॉमिक्स में आई गॉट 95, मैथ्स में आई गॉट 87, वुमेन स्टडीज में आई गॉट 88, अकाउंटेंसी में आई गॉट 90, एंड फिजिकल एजुकेशन जो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें आई गॉट 94. So yeah, that's for my result.